हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी खास है, तो इसको बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना हो दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त सूरज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल विश्वकर्मा जी में। तो दोस्तों बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है एक तरह का मोटिवेशनल वीडियो है और इसमें आपको बहुत कुछ जानने के लिए बारे में मिलेगा। तो दोस्तों इस मोटिवेशनल वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में। तो आपने अमीर आदमी का नाम सुन के तो आप पहचान ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जेफ बेजोस के बारे में। तो दोस्तों आप थोड़ा जान लेते हैं कि कौन है जेफ बेजोस और क्या करते थे जेफ बेजोस। तो दोस्तों देखा जाए कि जो जेफ बेजोस है उनका जन्म 12 जनवरी 1964 में अल्बर्ट क्यू जो कि न्यू मैक्सिको यूएस में हुआ था। तो दोस्तों जो जेफ बेजोस है वो एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेनर है और एक इन्वेस्टर है और अमेज़न कंपनी के सीईओ भी है। तो बहुत जान लिया अब जेफ बेजोस के बारे में। अब बात करते हैं उनके बिजनेस करियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस करियर के बारे में किस तरह उन्होंने अपना बिजनेस इतना आगे बढ़ा लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों जो जेफ बेजोस है वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो भी कब, 1987 में कंप्लीट कर ली थी। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको कई कंपनी से कॉल आया, जैसे इंटेल, बेल लैब जैसे कई कंपनी से कॉल आया, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। फिर लास्ट में वो एक फिटेल कंपनी से स्टार्ट किया जो कि एक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। फिर उन्होंने 1993 में जेफ बेजोस ने अपनी खुद की एक ऑनलाइन बुक स्टोर ओपन की। फिर उसके बाद उन्होंने दोस्तों एक अमेज़न नाम के गैरेज को भी ओपन किया। तो दोस्तों अब यहीं से शुरू होता है जेफ बेजोस की कहानी यानी खेल। तो दोस्तों उन्होंने अब अपना जो है ई कॉमर्स वेबसाइट खड़ा कर लिया था मार्केट में, ई कॉमर्स बिजनेस जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस खड़ा कर लिया था। फिर धीरे धीरे वो धीरे धीरे करते हुए उनका जो वेबसाइट है वो सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग को पीछे छोड़ते हुए एकदम नंबर वन पे चला गया और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों इनके बिजनेस सक्सेस होने का कारण क्या है दोस्तों, किस कारण या क्या फॉलो करते थे रूल, वो मैं बताने वाला था। दोस्तों जो इनके कस्टमर है ना वो अपने कस्टमर को राजा की तरह मानते थे और अपने आप को नौकर समझते थे उनका, कि किस तरह मैं अपने राजा को खुश कर पाऊँ, कैसी सर्विस प्रोवाइड करूँ कि मेरा जो कस्टमर है वो और अट्रैक्ट हो और किस तरह से वो खुश रहे। जी हाँ दोस्तों, आज वो इतने आगे इसी के कारण आगे है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि दोस्तों काम करते रहो, अपने काम की तरफ फोकस रहो और काम करते रहो, फल की चिंता तो कभी मत करना दोस्तों। तो दोस्तों इस अगर उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो इसी को इस वीडियो को लाइक करना और हो सके तो जितना भी शेयर कर सकते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने कॉन्टैक्ट में। और दोस्तों हो सके तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही मेरी आईडी @TechnicalVishwakarma जी। तो जाओ दोस्तों जल्दी जल्दी मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। और फिर लास्ट में आता है दोस्तों, जो लास्ट में बेल का आइकन बन के आता है उसको दबाना सब्सक्राइब करने के बाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।